जब से एयरटेल, जियो, वोडाफोन के प्लान्स महंगे हुए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सस्ते प्लान्स ढूंढ रहे होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि BSNL ना अभी भी एक ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो सस्ते कीमत में, यानी कि कम प्राइस में, बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है, ज़्यादा डेटा दे रहा है और एक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अब शायद आप ढूंढ रहे होंगे कि यार कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको ना कुछ बेस्ट सेलिंग प्लान्स के बारे में बता देती हूँ, जो कि बेसिक प्लान से शुरू होते हैं और ईयरली प्लान में जाते हैं। मतलब आप चाहे तो मंथली बेसिस पे वो प्लान्स ले सकते हैं या पूरे साल का एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो प्लान ले सकते हैं। तो कौन कौन से अच्छे प्लान्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी अपने कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं और BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप जो और बाकी के प्लान्स हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको सबसे अफोर्डेबल प्लान के बारे में बताती हूँ। सो BSNL 107 रुपये में फ्री वॉइस कॉलिंग देती है, 3GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी है 35 डेज की। साथ ही इसमें आपको BSNL ट्यून्स भी फ्री मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है उसकी कीमत है 108 रुपये, उसमें भी आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें 28 दिन के लिए पर डे आपको 1GB डेटा दिया जाता है। तो आप ये देखिए, सिर्फ 108 रुपये खर्च करके आपको 28 दिन तक के लिए, एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि 28GB डेटा मिल गया पर डे, अगर आपको 1GB डेटा मिल रहा है। आमतौर पर जब दूसरे रिचार्ज प्लान या दूसरे ऑपरेटर्स के आप रिचार्ज प्लान कराते हैं तो उसमें आपको मैक्स टू मैक्स 200-250 रुपये तो खर्च करना पड़ जाता है। तो ये कॉस्ट सेविंग बेनिफिट है जो आप ले सकते हैं। इसके बाद 199 वाला प्लान है, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलती है, साथ में 2GB पर डेटा मिलता है, 100 फ्री SMS मिलते हैं 30 दिन के लिए। तो उसकी फुल 30 डेज की वैलिडिटी है। तो अगर आप उन यूजर्स में से है जो 200 रुपये तक का अमाउंट खर्च करना चाहते हैं और आपको पूरे मंथ का डेटा चाहिए, यानी कि पर डे के हिसाब से ज़्यादा डेटा चाहिए, तो ये प्लान आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लान है जिसका प्राइस है 666 रुपीज़। अब इस प्लान की खासियत ये है कि इसमें आपको 105 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है, इसमें आपको पर डे 2GB डेटा दिया जाता है। हालांकि कुछ टाइम के बाद इसका जो स्पीड है उसको 40 Mbps तक रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन जो वैलिडिटी टाइम है ना वो बहुत अच्छा है और 2GB डेटा आपको आराम से मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि आप 650 रुपये खर्च करके ना आपको 3.5 महीने तक का जो एक टाइम है वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपको हर महीने बार बार रिचार्ज नहीं कराना होगा। आप सोचिए, जैसे आप 300-400 रुपये खर्च करते हैं पर महीने का और आपका 800-900 तक जाता है प्राइस, लेकिन आपको 650 तक के अप्रॉक्सीमेटली एवरेज में आपको 3.5 महीने तक के लिए पर डे 2GB डेटा मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत ही किफ़ायती प्लान है और एक बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आता है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट प्लान के बारे में बता रही हूँ वो एक ईयरली प्लान है, जिसमें आपको 365 डेज की वैलिडिटी मिलती है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली दिया जाता है 600GB तक का फुल डेटा। तो 600GB बहुत होता है और बेस्ट पार्ट है कि इसमें कुछ टाइम बाद ना एक जो स्पीड है वो 40 Kbps तक रिड्यूस कर दी जाती है, लेकिन 40 Kbps भी एक अच्छी खासी स्पीड होती है जिसे आप नॉर्मल बिंज वॉच कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि इसकी वैलिडिटी 365 डेज है। मतलब एक बार आपने प्लान लिया और पूरे साल का आपका झंझट खत्म। मतलब आपको बार बार पैसे पे नहीं करना है। और आप देखेंगे कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो के जो ईयरली प्लान्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, उनका प्राइस पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उस सिनेरियो में आप चाहे तो BSNL का ये प्लान ले सकते हैं। सो इसी के साथ, अगर आपको 365 डेज वाला ही प्लान चाहिए और उसमें आपको पर डे के हिसाब से ज़्यादा डेटा चाहिए, आपका पर डे का कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो आप 2999 वाला प्लान ले सकते हैं। इसमें हर दिन आपको 3GB डेटा दिया जाता है 365 डेज की वैलिडिटी के साथ। तो ये मैंने आपको जो सारे कट शॉर्ट करके प्लान्स बताए ना, ये सबसे बेनिफिशियल प्लान्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कम पैसे खर्च करने होते हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बता दिए सारे प्लान्स के बारे में। और आजकल आपने देखा ही होगा कि भारत में टैरिफ प्लान्स बढ़ा दिए गए और स्पेशली जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, सबके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसके क्या क्या प्लान्स हैं, तो हमने अपने चैनल पे सारे ही ऑपरेटर्स के सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पुराने प्लान्स और नए प्लान्स के प्राइस क्या है। तो अगर आपको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और हमें कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि इन प्लान्स में से कौन सा प्लान आपकी प्रेफरेंस है। और बेस्ट पार्ट है कि अपने जितने भी BSNL यूज़र्स हैं ना आसपास के, उनका टाइम बचे, एफर्ट बचे, तो उसके लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको ही कन्फ्यूजन ना हो कि यार कौन सा रिचार्ज हमें कराना चाहिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो उनकी काफ़ी मदद कर सकता है।
तो ये वीडियो अच्छा भी लगा है तो उसको लाइक भी करें और इस तरह के और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।